हेलो एवरी वन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल वेलकम टू सक्सेस ट्री माई नेम इज अस्कर सिंह सो बिफोर वी स्टॉट टूडे सेशन लेट मी कन्फर्म एम आई ऑडिबल गाइस एवरी वन ओके चलो फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन के हमारे करंट अफेयर तो आज के सेशन की बात करें जो आज के हम करंट अफेयर कवर करेंगे वो ट्वेंट सेवेंथ फेब्रवरी और आज के, तो आज के दिन की बात करें तो आज क्या है ट्यूजडे उसके हम कवर करेंगे तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है? फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार थ्री किया जा रहा है कि जो हमारे पास है है वो किया जा रहा है किसका सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है कौन से ईयर में 2023 में कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है फाउंडेशन डे तो हमारे पास क्या रहा? फोर्थ फेब 2023 को इस दिन को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है ठीक है कितने सालों में 73 थ्री 73 अगर में आ, सालों के बाद किया गया तो इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें ये पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब बनी थी कब बनी थी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनी थी अब 1950 में कब बनी थी उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है जो जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी सिक्स नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है तो उससे मतलब दो महीने बाद छब्बीस जैन को ठीक है 1950 को क्या हुआ था रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था अब जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इसके दो दिन बाद मतलब 28 जन को 28 जन को क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट उस दिन क्या हुआ था मतलब फॉर्म किया गया था एस्टेब्लिश किया गया था कब अट्ठाइस जनवरी नाइनटीन को ओके okay. उस दिन इसको एस्टेब्लिश किया था तो उसके बाद उस दिन के बाद आज जाकर इस साल ऐसा पहली बार हुआ है कि इस सुप्रीम कोर्ट को मतलब फाउंडेशन डे को इसको सेलिब्रेट किया गया अब जब इस फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया तो थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मतलब ऐसा पहली बार किया गया तो मतलब इसमें कोई ऐसा पर्सन आया होगा जो काफी डिफरेंट है यूनिक है इंपॉर्टेंट रहा होगा रहा होगा तो बात करें जब ये फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था तो यहां पर कोई चीफ गेस्ट भी आया था वो चीफ गेस्ट कौन था उनकी बात करें तो जो ची सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर कौन जो चीफ जस्टिस है सिंगापुर के वो वहां पर क्या थे चीफ गेस्ट थे अब सिंगापुर के चीफ जस्टिस ही क्यों अगर सिंगापुर के चीफ जस्टिस की बात करें तो उनका जो ओरिजिन है वो बैक कहां पर आता है इंडिया में ही आता है मतलब जो उनकी बैकग्राउंड है या उनके एंसेस्टर जा, उनका जन्म हुआ था तो बैक एंड कहां पर आते हैं वो इंडिया में ही आते हैं इंडिया उनका ओरिजिन था तो सिंगापुर की अगर बात करें चीफ जस्टिस कौन है तो उनके नाम की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सुंदरश मैनन सुंदरश मैनन क्या है उनका नाम है ठीक है चलिए सेवेंटी थर्ड फोर्थ फरवरी फाउंडेशन डे ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ सिंगापुर ठीक है सुंदर्श मैनज जो चीफ जस्टिस रहे हैं ठीक है जो हमारे पास चीफ गेस्ट भी रहे हैं ठीक है थीका, थीका, जो हाँ तो इस बार पहली बार किया था पहली बार किया गया था पहली बार सेलिब्रेट करने किया जाने की वजह से तो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़ उनके द्वारा किया गया था इस फाउंडेशन डे को स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा तो पहली बार था तो पहली बार था हर कोई मतलब इमोशनल था ऐसा डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया तो उससे क्या हुआ कुछ लोगों ने अपनी स्पीचेस भी दी हैं कुछ बातें भी बोली तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कौन संजय किशन कॉल उनके द्वारा भी कुछ अल्फाज बोले गए हैं और ऐसे ही चीफ जस्टिस जो हमारे पास डी यू चंद्रचूडा उनके द्वारा भी कुछ ऐसी चीजें जो अपने व्यूज प्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ उनके बारे में आपको ऑलरेडी बता दें हाँ एक चीज रहेगी थी जब ये सुप्रीम कोर्ट बनी थी तो ये दो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन थी या इंस्टीट्यूशन थी उनको मिलाकर बनी थी अब दो चीजों का मर्जर जब हुआ था उसमें हम किस की बात करें हम कर रहे हैं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें उसके साथ साथ की थी प्राइवरी काउंसिल क्या प्राइवेट काउंसिल इन दोनों का मर्जर होने पर क्या बनी थी सुप्रीम कोर्ट बनी थी क्या बनी थी सुप्रीम कोर्ट बनी थी और जो सबसे पहली इनोग्रेल हुई थी कब हुई थी ट्वेंटी एट जनवरी को जैसे आपको ऑलरेडी बना देता था उस दिन उस दिन चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई भी चुने गए थे तो हमारे पास चीफ जस्टिस कौन आ गए हरिलाल जे कनिना आ, कानिया ठीक है उसके बाद बाकी जो हमारे पास सैदर सैद अली ठीक है एम पतंजलि श्री महरचंद महाजन बिजन कुमार मुखर्जी एस आर राव इनके द्वारा सीट्स भी ली गई थी अब ये चीज की बात क्या बात करूं ये अगर 1950 के टाइम की बात करें वहां से हमें क्या पता है तो हमारे पास क्या होते थे वन तो चीफ जस्टिस होते थे और साथ उनके साथ क्या होते थे जस्टिस होते थे ठीक है वन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और बाकी क्या होते थे जिफ डिप्टी जजिस होते थे ठीक है लेकिन ये भी बाद में चेंज हो गया कब चेंज हो गया 2019 में जब इनका पार्लियामेंट में नंबर इंक्रीज कर दिया गया नंबर इंक्रीज करके क्या कर दिया गया 34 कर दिया गया नंबर इंक्रीज 34 कर दिया गया कहां पर 2019 में कहा पार्लियामेंट में अब इस 33 का मतलब क्या है थर्टी सॉरी थर्टी का मतलब क्या है थर्टी थ्री प्लस वन मतलब थर्टी थ्री हमारे पास क्या आ गए डिप्टी जजिस और वन हमारे पास क्या आ गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब ये सुप्रीम कोर्ट की बात करें ये जब एस्टैब्लिश हुई थी तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है या कौन से चैप्टर में है? तो फिफ्थ पार्ट के जो हमारा फोर्थ चैप्टर उसमें हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या आ, है मतलब उसमें है ठीक है आ, गार्डियन हाँ इसको क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है फेडरल कोर्ट एंड गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करेगी ठीक है जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया उसके द्वारा ही ऑल ओवर इंडिया में जो जो चीजें हो रही हैं उनके गार्डियन कौन है सुप्रीम कोर्ट ही उसका क्या है गार्डियन है नेक्स्ट देखिए फिफ्टीन स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड इन उत्तराखंड क्या हुई सेंट्रल जोनल कमेटी है जो उत्तराखंड में हेल्ड हुई है कौन सी सेंट्रल अब ये सेंट्रल जोनल की है 15th वो है है। या 15th है। एडिशन मीटिंग अब अगर जोनल की बात करें, तो इंडिया में ऐसे कितने अलग अलग जोनल है तो हमारे पास क्या आ जाते हैं पांच आ जाते हैं हमारे पास आ जाते हैं पांच आ जाते हैं ठीक है नॉर्थ, ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न एंड सेंट्रल तो ये हमारे पास क्या जाते पांच आते हैं लेकिन लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था कुछ साल पहले पांच से एक इंक्रीज कर दिया गया था कुछ साल तो नहीं कहूंगा बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं ठीक है तो एक इंक्रीज भी कर दिया गया था अब एक और चीज बनेगी और चीज कौन सी बन गई थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी बन गया था कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये कब की बात कर रहा हूं नाइनटीन की बात कर रहा हूं तो इंडिया में अगर टोटल जोनल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ठीक है अब जो ये हुआ था कौन सा सेंटर जोनल अब सेंटर जोनल में जो जो बातचीत हुई थी वो तो ठीक है लेकिन इनमें अगर सेंटर की बात करें तो इनमें कौन कौन सी मेंबर में स्टेट्स होंगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उत्तराखंड में तो हुई हुई है तो उत्तराखंड तो होगी होगी तो तो मतलब देहरादून जहां पर ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी तो देहरादून तो होगी ही होगी ठीक है तो उसके बाद अगर देखा जाए बाकी राज्य कौन कौन से तो हमारे पास क्या आ जाएगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश ये कुछ राज्य थे जिनके द्वारा इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया गया था अब जो ये मीटिंग थी वो किसके द्वारा हेड की गई थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस एस संधु के द्वारा अब वो कौन थे वो स्टेट चीफ सेक्रेटरीट थे एस एस संधु जिनके द्वारा क्या किया था इस मीटिंग को हेड किया गया था पुरुरु गुड आफ्टरनून ओके अब इस मीटिंग में बातचीत क्या हुई थी अब इस मीटिंग में जो मेन चीज़ हुई थी वो क्या हुई थी कि इन्होंने क्या करना है प्रमोट करना है जो भी वहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रमोट किया जाए ऑल और इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे क्या होगा लोकल प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो भी बनेगी और बाकी अगर देखा जाए तो बाकी कुछ स्कीम्स हैं जो स्टेट्स की अपनी स्कीम होती हैं जो काफ़ी अच्छी होती हैं तो बाद में उसको ऑल ओवर इंडिया भी इंप्लीमेंट किया जाता है तो वैसे ही कुछ स्कीम के बारे में बात किया गया कि उस पर प्रैक्टिस की जाएगी अब इस चीज़ को भी छोड़ दो इसके आगे एक और चीज़ आती है एक और चीज़ क्या आ जाती है इस मीटिंग में ये भी डिस्कशन की गई थी कि जो हमारे पास विलेज एरिया हैं जहाँ मतलब वो रिमोट एरिया बोल देते हैं जहाँ पर मतलब ज़्यादा आवाजाही नहीं है उस एरिया में भी हमें पाँच किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर कोई ना कोई बैंकिंग सर्विस या बैंकिंग फैसिलिटी तो चाहिए ही चाहिए पाँच किलोमीटर के अंदर तो उससे क्या होगा एक कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी ठीक है तो उससे मतलब और भी मतलब जो ऐसा कह लो कि मनी की जो ट्रांजेक्शन है वो भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बाकी भी कुछ एरियज पर बात बात की गई है वो भी इन्होंने बताया तो अगर लास्ट मीटिंग की बात करें जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो किसकी हुई थी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की हुई थी वो कहां पर हुई थी वो कोलकाता में हेल्ड हुई थी कब लास्ट ईयर दिसंबर में वो मीटिंग कंडक्ट की गई थी और वो कौन सी मीटिंग थी ट्वेंटी थी देखो यहां पर ट्वेंटी फिफ्थ लिखा है यहां पर फिफ्टीन लिखा है दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस ये है जो मीटिंग जोन से रीजन में हो रही है वही की उसको मतलब एडिशन दिया जाएगा मतलब ये ईस्टर्न जोनल की बात करें तो ईस्ट की कौन सी है ट्वेंटी फिफ्थ है अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल की कौन सी है फिफ्टीन है अलग जोन की अलग मीटिंग नंबर्स हैं। जोनल काउंसिल की बात करें तो जोनल काउंसिल कब बनाया गया था 1956 में बनाया गया था ये क्या है सेचुएटरी बॉडी है ये किस ये स्टेट जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 उसके अंडर बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर बनी थी अब जब ये बनी थी तब इसके पास क्या थे पांच अलग अलग रीजन थे या जोनल रीजन थे जो हमें ऑलरेडी कर चुके हैं नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न ये कौन थे पांच से लेकिन बाद में क्या हुआ 1971 में जाके एक और एक्ट पार्लियामेंट ऑफ एक्ट एस्टेब्लिश किया गया कब 1951 में कब किया गया 1951 में ये एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया जस्ट गिव मी अ मिनट अब जब इस प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट किया गया जब सबसे पहले ये कब बना था 1971 में बना था अब 1971 में जब बना था तब ये क्या चीज बनी थी तब इसका क्या था नॉर्थ ईस्टर्न जो जोनल था वो रीजन एक इंक्लूड किया गया था अब नॉर्थ ईस्टर्न जोनल में देखे कौन कौन से राज्य हमारे पास आए थे तो उसकी बात करें उसमें हमारे पास मिजोरम मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मेघालय त्रिपुरा एंड सिक्किम ये कुछ राज्य हैं जो उसमें आ जाते थे तो हर एक रीजनल जोनल में अलग अलग राज्य हैं जो आ जाते थे ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करें नॉर्दर्न सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न और सदर्न ठीक है तो अलग अलग जोन में अलग अलग राज्य हमारे पास आ जाते हैं ठीक है, है? हरियाणा हिमाचल पंजाब राजस्थान दिल्ली ये जो चंडीगढ़ जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली तो ये किस में आ, में आ जाते हैं नॉर्दर्न में आते हैं सेंट्रल की बात करें छत्तीसगढ़ उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मेघालय सॉरी मध्य प्रदेश ठीक है ईस्टर्न की बात करें बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल ओके okay, वेस्टर्न की बात करें तो गोवा गुजरात महाराष्ट्र सदन की बात करें तो जो साउथ इंडिया के तेलंगाना होगी कर्नाटका होगी केरला होगी तमिलनाडु ये सारी जो राज्य हैं वो आ जाएगी सदन अब लास्ट में आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है तो इसमें क्या है एक तो चेयरमैन रहते हैं जो चेयरमैन रहते हैं तो चेयरमैन इस जोनल के जो जोनल जो 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 जितनी भी ये जोनल रीजन की, की मीटिंग होगी या के के जोन हर जोनल जो चेयरमैन होंगे वो क्या होंगे कौन होंगे होम मिनिस्टर होंगे? होंगे जो अमित शाह जी हैं चलो ठीक है अब बात आती है वाइस चेयरमैन की अब वाइस चेयरमैन जो पोजीशन पर बैठता है वो कौन बैठता है आ, सर आई हैव है डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग एम आई एलिजिबल फॉर यू पी एस सी ए एल सी प्लीज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है आप इस नंबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं इनका नाम क्या है कमल सर पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी वाली यह प्रोवाइड आपको कर देंगे पूरे अच्छे से ठीक है ओके तो हाँ अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन की पोजीशन पर कौन आता है वाइस चेयरमैन की पोजीशन पर आते हैं वो लोग जो क्या होते हैं सीएम होते हैं राज्य के ठीक है जैसे मतलब ज़ोनल स्टेट की बात करें उस ज़ोनल स्टेट में अलग-अलग राज्य होंगे तो अलग-अलग राज्यों के में कोई एक जो सीएम है वो उस पोजीशन पर आएगा किसकी वाइस चेयरमैन की लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए एक साल के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए एक साल के लिए तो ये रोटेशन चलती रहेगी ठीक है मगर अगर मान लो किसी एक जोनल में बात करें उसमें पांच अलग अलग राज्य हैं तो मतलब पांच सालों में हर एक राज्य के सीएम का नंबर आ जाएगा जो क्या बन जाएगा वाइस चेयरमैन बन जाएगा जो क्या बन जाएगा वाइस चेयरमैन बन गया बाकी जो मेंबर हैं जो बाकी जो हमारे सीएम हो गए ठीक है मेंबर्स हो गए ठीक है जो आ, 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 गवर्नमेंट के मेंबर हो गए एम एल हो गए मिनिस्टर हो गए और जो गवर्नर होके उनके द्वारा क्या किया जाता है नॉमिनेट किया जाता है ओके मिनिस्टर अमित शाह फाउंडेशन स्टोन ऑफ फिफ्थ लिक्विड नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट इन देवघर झारखंड किसकी बात करें हम फिफ्थ की बात करें कहां पर देवघर झारखंड में कहा देवघर झारखंड में ठीक है और किस चीज की बात हो रही है लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इसको एल एन यू भी बोला जाता है लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इस चीज से कंफ्यूज ना होना ठीक है अब अगर बात करें यहां पर क्या लिखा है फिफ्थ फिफ्थ का हमें बता दिया कहां पर झारखंड में अगर फिफ्थ हुआ था मतलब फर्स्ट भी हुआ था मतलब फर्स्ट भी हुआ था अगर फर्स्ट की बात करें फर्स्ट जो प्लांट है कहां पर किया गया था कलोल एक जगह है वो कहां पर है गुजरात में तो जो सबसे पहला सबसे पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहां लगा था कलोल में कहां पर गुजरात में लगा गया था और यह कौन सा है जो लगा था? ये फिफ्थ लगा था था फिफ्थ कहां पर झारखंड कहागर में कहां पर झारखंड में और यह किसके द्वारा लगाया गया था जो फाउंडेशन स्टोन है वैसे तो यूनियन मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा लगाया गया था अमित शाह के द्वारा लेकिन आई एफ एफ सी ओ ठीक है ये भी वहां थे इनके साथ साथ ठीक है जो स्टेट के वो आ, जो स्टेट uh, मिनिस्टर थे ठीक है वो भी वहां पर मौजूद थे ठीक है वो भी वहां पर मौजूद थे अब जो ये लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट लगाया गया है इससे क्या होगा इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि uh, जो झारखंड का ये फिफ्थ लगाया गया इससे उन्होंने कुछ आइडिया ये दिया है कि ऑलमोस्ट 450 करोड़ बोटल्स ऑफ यूरिया है जो हर साल क्या किया जाएगा प्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है सॉरी मैंने नंबर गलत बोल दिया प्रोड्यूस कितना बोला इन्होंने सिक्स करोड़ नैनो यूरिया बोटल्स सॉरी मैंने नंबर गलत बोल दिया था सॉरी सिक्स करोड़ क्या बोला इन्होंने नैनो यूरिया बोटल्स है हर साल बनाई जाएंगी किसके द्वारा ये जो झारखंड में प्लांट लग रहा है उनके द्वारा ओके okay. अब जो ये यूरिया बनाई गईगी तो उनके साथ साथ जितने राज्य हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कौन कौन से राज्य में हमारे पास आ जाएगा तो वेस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी उनको ये यूरिया दिए जाएंगे ताकि वो अपने फसलों में यूज़ कर सकें अब पहले कुछ टाइम पहले क्या होता था इंडिया जो ये हमारे पास एन है लिक्विड यूरिया जो हमारे सॉरी नैनो यूरिया लिक्विड है वो कुछ साल पहले इंडिया खुद उस चीज को मतलब बाहर से इंपोर्ट करता था बाहर से मंगवाता था लेकिन अब आप देख रहे हो कि पांच प्लांट तो ऑलरेडी विद इन इंडिया लग चुकी है मतलब कहने का कि अब इंडिया बाहर से कुछ नहीं मंगाएगा इंडिया खुद ही बना रहा है खुद ही यूज कर रहा है तो इंडिया क्या हो गया आत्मनिर्भर इंडिया क्या हो गया सेल्फ रिलायंट ठीक है तो ये एक उन मिशन में से तो उन चीज को भी फोकस किया जा रहा है आई एफ एफ ओ क्या है तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ठीक है जिसके द्वारा यह सारी चीज को ओवरटेक मतलब ओवरलुक किया जाता है देखा जाता है ध्यान रखा जाता है इस चीज का ओके तो यह आपको बता ही दिया फर्स्ट के बारे में अब लिक्विड नैनो यूरिया है क्या लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं ठीक थी? है ये न्यूट्रिय होते हैं जो लिक्विड की फॉर्म होते हैं जो प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत अच्छी चीज नाइट्रोजन टू प्लांट इज एन अल्टरनेट टू कन्वेंशनल यूरिया जो कन्वेंशनल यूरिया है उसका अल्टरनेट है क्या चीज नाइट्रोजन उसका अल्टरनेट है प्लांट्स के लिए क्या नाइट्रोजन तो इसके कलर की बात करें तो क्या होता है व्हाइट कलर ये केमिकल होता है जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है तो जो जैसे आपको पहले बताया तो प्लांट्स के लिए जो नाइट्रोजन है काफी इंपॉर्टेंट होती है आईएफएफसीओ के बारे में बात किया तो कब फॉर्म हुई थी 1967 बनी थी जब यह बनी थी इसके साथ अराउंड 50-60 मतलब कुछ और कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो तो इसके साथ जुड़ी हुई थी लेकिन बाय दी एंड ऑफ दिस ईयर सॉरी कुछ साल पहले की बात करें तो अराउंड छत्तीस हजार जो कोऑपरेटिव uh, सोसाइटीज है इस यूनियन के साथ जुड़ चुकी हैं अभी तक ओके okay, तो अभी की बात करें तो इनका जो मेन काम है मेन काम क्या है जो जो यूरिया या फर्टिलाइजर उसको बनाना और विद इन इंडिया सेल करना विद इन इंडिया जरूरी नहीं है बनाना और सेल करना जरूरी है ठीक है ओके okay, या उस लेख डिक्लेयर एज फर्स्ट डायवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख लद्दाख की सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिस चीज को रखा गया है या जिस चीज को चुना गया है तो उसका नाम क्या है लेख है वो कौन सी लेख है यो यो उसो लेख कौन सी यो यो उसो लेख की बात कर रहे हैं हम ठीक है अब जब इसको चुना गया है या इसको बायोडाइवर्सिटी की मतलब लिस्ट में ऐड किया गया है हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया है तो किसके द्वारा किया गया ये पॉइंट भी आ जाता है तो इस चीज पर थोड़ा फोकस करना है। ये जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइड ऑफ लद्दाख इसको चुना गया है अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट किसके द्वारा एक्ट बनाया गया था पंचायत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑफ किया चुमाथांग विलेज कौन से विलेज की का बात कर रहे हम चुमाथांग विलेज की बात कर रहे हैं वहां की जो पंचायत के द्वारा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा जो ये हमारे पास याया सो -सो -ले, आ, सो, साया, आ, याया सोसो सॉरी लेख है उसको बायोडाइवर्सिटी की साइट में ऐड किया गया है सबसे पहले और ये इसकी कलेबोरेशन किसके साथ थी स्क्योर हिमालयन प्रोजेक्ट के साथ क्या थी इनकी कलेबोरेशन थी ओके अब अगर इस लेख की बात करें इस लेख पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म के बर्ड्स आते हैं जिसको क्या इसलिए इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स भी बोला जाता है बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उन बर्ड्स को भी छोड़ दें तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के कुछ खास एनिमल जो आपको देखने को मिलेंगे सच एस बार हेडेड गूस ब्लैक नेकड क्रेन नेक्ट क्रेन एंड रूडी शेल्डर ऐसी कुछ और एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और अगर बात करें हम ब्लैक नेकेड क्रेन की बात करें तो ब्लैक नेकेड क्रेन का जो ब्रीडेड एरिया है ठीक है तो यही एक लेक है जहां पर सबसे ज्यादा ब्रीडिंग होती है किसकी ब्लैक नेकेड क्रेन की ठीक है और भी कुछ लेक्स हैं यहाँ पर उसो लेक उस कर लेक कार लेक ठीक है पनगोंग उसो लेक एंड कहगा उस लेक तो ये कुछ और लेक्स हैं अब स्क्योर हिमालयन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब इस प्रोजेक्ट की बात करें ये जो प्रोजेक्ट था 2017 में ये प्रोजेक्ट बन गया था किसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये जो आ, स्क्योर हिमालयन प्रोजेक्ट था ये शुरू किया गया था 2017 में लेकिन इनके साथ साथ यू भी इनके साथ जुड़ा हुआ था यू क्या है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट को शुरू किया था अब जो ये प्रोजेक्ट था ये छह साल का प्रोजेक्ट था जो इस साल दो हजार तेईस में खत्म हो जाएगा मतलब साल साल इसके कंप्लीट हो जाएंगे ये साल का प्रोजेक्ट था जो इस साल खत्म हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या करना था इस प्रोजेक्ट में हिमालया में जो स्नो लेपर्ड मिलते थे उनको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सबसे ज्यादा इनके एफर्ट क्या थे कि जो स्नो लेपर्ड है उसका जो हैबिटेट है उसका जो मतलब जो भी उसका डेवलपिंग नेचर है जहां पर वो रहता है वो सारा हैबिटेट में ही आ जाता है उस चीज को मेंटेन करें ठीक है उस पर एफर्ट्स डालें उस पर इंप्लीमेंट करें ताकि जो स्नो लेपर्ड है उसका हैबिटेट बना रहे और स्नो लेपर्ड है जो ज्यादा देर तक वहां पर रह सके ठीक है तो ये इनका सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मोटिव तो इनका यही था इसको छोड़ दो तो बाकी चीजें भी आ जाती है फॉरेस्ट लैंड सॉयल या लैंड कंजर्वेशन जिन पर ये खास ध्यान देते हैं ठीक है जो भी इस टेरिटरी में आ जाता है उस चीज पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है जिससे क्या होता है मतलब हम क्या कर रहे हैं डाइवर्सिटी को मेनटेन कर रहे हैं ठीक है, है? आ, ऐसी चीजों जो खत्म हो रही है उनको संभाल कर रख रहे हैं इंडियन रेलवे टू स्टार्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन अब एक भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है ठीक है जो शुरू की जा रही है अब भारत गौरव जो टूरिस्ट ट्रेन है ठीक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू शुरू की गई थी और इनके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर कुछ इनिशिएटिव है जो आते हैं जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत ठीक है और एक और इनिशिएटिव आता है जो क्या है देखो अपना देश ठीक है ये कुछ इनिशिएटिव है यह सारे के सारे जो भी इनिशिएटिव हैं इनका जो मेन मोटिव है वो मोटिव मौ, तो, क्या है टूरिज्म है लेकिन कौन सा टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म से मतलब कि इंडिया विद इन इंडिया जो भी आपने टूरिज्म करना है इंडिया को घूमो इंडिया को देखो इंडिया को पहचान ओके okay, चलो जिसकी वजह से कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए अब इनमें से एक और टूर भी आ जाता है जिसको क्या बोलता है गौरवी गुजरात गौरवी गुजरात अब एक ये इनिशिएटिव भी आ जाता है अब इस इनिशिएटिव की बात करें तो इस इनिशिएटिव में गुजरात के मैक्सिमम एरिया को कवर किया जाएगा जिसमें कोई स्परिचुअल लोकेशन है या कोई कल्चरल एरिया है या कुछ और चीज़ है वो सारी की सारी इसमें कवर की जाएंगी इवन के इवन इस गौरवी गुजरात में आपको क्या किया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सॉरी तो गौरवी गुजरात का जो ये सफर रहेगा उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के बारे में भी बताया जाएगा मतलब जो उनका फ्रीडम फाइटर का सफर रहा है या पूरी की पूरी की लाइफ के बारे में बताया जाएगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी लाइफ के, के बारे में ही बताया जाएगा ठीक है तो इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहां पर भी लेके जाएंगे ठीक है और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं गुजरात में जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आती हैं वहां पर भी लेके जाएगा अक्षरशर धाम तक भी लाके लेके जाएगा ठीक है जो टेंपल है वहां पर भी साबरमती आश्रम पर भी ठीक है जो सन टेंपल है एक उस पर भी तो ये सारी अलग अलग लोकेशन पर लेकर जाएगा जिसमें क्या हो रहा है एक भारत दर्शन हो रहा है भारत को दिखाया जा रहा है गुजरात की अलग अलग जगहों पर जो अच्छी वाली है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं इन जगहों को भी छोड़ दो ठीक जो है जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंगस है नागेश्वर ज्योतिर्लिंगस है ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी ये सारे के सारा मतलब जो इंडिया को मतलब इंडिया के जो टूरिज्म है या डोमेस्टिक टूरिज्म उनको प्रमोट करने के लिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या मारो रुख मारो संतती, न्यू ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सिक्किम स्टेट अब सिक्किम के राज्य के द्वारा या सिक्किम के जो हमारे सीएम है उनके द्वारा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया तो उनके सीएम हमारे पास कौन है प्रेम सिंह तमांग कौन प्रेम सिंह तमांग इनके द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया मारो रुख मारो संतति अब ये इनिशिएटिव में है क्या ये इनिशिएटिव में ऐसा है कि एक बच्चे के जन्म के पीछे आप कम से कम सौ दरखत या ट्री लगाओगे एक बच्चे के जन्म के पीछे आप सौ दरखत बोलेंगे हिंदी में या ट्री आप लगाओगे ठीक है सौ ट्री लगाने हैं आपने ठीक है पेड़ लगाने हैं सौ ठीक है अब इससे हो क्या रहा है ये जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च करने का पर्पस क्या है लॉन्च करने का पर्पस ये है कि जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो एक नेचर आ जाती है उन दोनों के बीच में जो ये गैप बन चुका है एक ब्रिज बन चुका, ब्रिज बन चुका है वो ब्रिज बनाए फिर से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में और पेरेंट्स चिल्ड्रन और नेचर के बीच में ठीक है ये जो नेचर का गैप है उस चीज को बनाए सर प्लीज एडवाइस अवर लेबर लॉ लेबर लो यहां पर अनुभव जा ओके विल सी कि कैसे हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप सभी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के लिए या ऐसे विदिन लॉ के अंडर आ जाए ठीक है आ, उस चीज में हम कवर कर सकते हैं इस चीज को ठीक है तो उस चीज को मतलब आ, कर सकते हैं हम क्या था हाँ कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो नेचर है उस चीज़ को जोड़ा जाए जिससे वो दूर जा रहे हैं जिससे जू जा मतलब एक जो गैप है उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से उन्होंने क्या बोला है कि क्या किया है नेचर बाय प्लांटिंग ट्रीज टू कमिटमेंट टू दी बर्थ ऑफ दी चाइल्ड चाइल्ड के बर्थ के बाद क्या किया जाएगा ये कुछ ट्री लगाए जाएंगे वो कितने होंगे सौ के सौ ट्री लगाए जाएंगे ठीक है अब इससे क्या होगा तो जो नेचर के प्रति है बाकी सब पूरे के पूरे जो भी राज्य में लोग हैं उनका नेचर के प्रति थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ेगा और नेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसके सिवा सीएम के द्वारा सैपलिंग भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है अब यह जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है किसको डिस्ट्रीब्यूट किया सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है अब पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या होगा कि जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है नेचर के टवॉर्ड तो वो चेंज होगा अगर पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज हो जाए नेचर के टवॉर्ड तो जो बच्चे हैं उनका भी चेंज हो जाएगा उनके साथ साथ ठीक है और जो भी ये सैपलिंग दी गई है उनको बच्चों के साथ लगाओगे ठीक है तो क्या कर रहे हो एक बच्चा अपने अपने बेटे की एक जो मतलब जिस दिन बर्थ हुआ उस दिन अगर आपने ट्री लगाया तो आपका क्या आ जाएगा मतलब सेम डे ही बर्थ हुआ है ट्री का ही टू मार्क द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड मतलब मार्क किया जा रहा है कि इस दिन हमारे बेटे का जन्म हुआ था जब दिन हमने ये पेड़ लगाए थे तो इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव में ऐसा भी कुछ किया गया है कि अलग अलग जो लोग हैं ठीक है चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे पब्लिक सेक्टर में है चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे नॉन गवर्नमेंट जॉब है जो भी ये काम कर रहे हैं उनको पैसे भी दिए जाएंगे उनको पैसे भी दिए जाएंगे कि आपने ऐसा काम किया तो आपको कुछ मनी भी दी जाएगी सिक्किम स्टेट की बात करें तो इंडिया को है जो इंडिपेंडेंस 1947 में मिल चुकी थी लेकिन सिक्किम को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी सिक्किम को इंडिपेंडेंस मिली थी जाकर 1940 1974 में 1974 में जाके क्या मिली थी सिक्किम को इंडिपेंडेंस मिली थी लेकिन सिक्किम इंडिया में कब मर्ज हुआ था सिक्किम मर्ज हुआ था 1975 में कब ट्वेंटी अप्रैल 1975 में जाके जो सिक्किम है इंडिया में मर्ज किया गया था और इसके 20 दिन बाद जो सिक्किम है उसको स्टेटहुड मिली थी मतलब 20 दिन बाद मई 16 1975 कब मई 16 1975 सिक्किम को इंडिया में स्टेटहुड मिल चुकी थी किसके अंडर ट्वेंटी स्टेट ऑफ इंडिया मतलब जो ट्वेंटी राज्य बन चुका था इंडिया का ठीक है और इसकी कैपिटल की बात करें गैंगटोक तो इसकी कैपिटल थी अब जो इसको स्टेटहुड मिली थी थर्टी फाइफ जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके बाद इसको क्या मिली थी स्टेटहुड मिली थी मतलब के बाद कौन सी आ रही है थर्टी अमेंडमेंट आ रही है स्टेटहुड की आ रही है। किसकी? गिवन, 36th है? तो उसमें इ, आ, सिक्किम को क्या मिल गई थी स्टेटहुड मिल गई थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जो सिक्किम है वो क्या है सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है कहां का वर्ल्ड में वर्ल्ड में सबसे पहली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है सिक्किम है कहां कहां पर है सिक्किम वो देख लीजिए आप मतलब उसके आसपास कौन कौन से राज्य है ये आप रीड कर सकते हो अब सिक्किम के बात करें तो इंडिया की लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा? कंचनजुंगा कौन सी है जो क्या है वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है और इंडिया की हाईएस्ट पीक में से है जो ऑलरेडी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड है वो भी सिक्किम में ही है 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाथ हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू अब देखो एक ना ये यूथ फेस्टिवल हुआ था कहां पर जम्मू में हुआ था इसका नाम क्या रखा गया अंतरनाद क्या अंतरनाद इसका नाम रखा गया अब पहली चीज जो है इसका अंतरनाद नाम रखा गया इसका मतलब क्या है इनर वॉइस इसका मीनिंग क्या है इनर वॉइस इसका मीनिंग है ठीक है तो इस पूरे के पूरे जो फेस्टिवल है उसमें हुआ क्या है तो चार पांच दिन का यह यूथ फेस्टिवल रहा है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जिसमें ऑल ओवर इंडिया के एटींथ यूनिवर्सिटी में से ठीक है एक हजार लोगों ने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और आर्ट्स ठीक है साइंस म्यूजिक कल्चर ऐसी अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करके अपने जो स्किल्स से अपनी जो आ, जो च, आ, स्किल को शार्पन किया ठीक है या अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट किया वो सारी चीज़ें की गई थी यहाँ पर इस जो ये फेस्टिवल है यूथ फेस्टिवल उसमें तो इससे क्या होगा इससे ये होगा कि जो हर एक, एक स्टूडेंट की इनर अंदर की मतलब जो चीज़ है जो क्रिएटिव चीज़ है आर्टिस्ट है जो चाहता है मैं बाहर निकलूँ तो इस फेस्टिवल के थ्रू वो अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकता है जिसके द्वारा इस फेस्टिवल के द्वारा उसको जो प्राइस मिलेगा उससे क्या होगा इंडिया में उसका मतलब कुछ रिकॉग्निशन होगी जिसके वो मतलब अलग-अलग अपनी ऑपर्चुनिटी इन फ्यूचर दे सकता है कि उसके पास क्या-कौन कौन सी ऑपर्चुनिटीज उसके सामने खुली हुई हैं तो ये सारा का सारा पूरा इसका निचोड़ एक और सारस फेयर भी हुआ था यहां पर तो ये रीड आउट कर लीजिएगा आप लोग अब देखिए साय संजय की बात करें तो पूरी की पूरी न्यूज है जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक पोर्शन है जो आपको यहां ही मिल जाएगा इसके बाहर और कुछ भी नहीं है साय संजय की बात करें जो क्या बन चुके हैं विनर बन चुके हैं किस चीज के नेशनल इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप टू इंडिया इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के क्या बन चुके हैं विनर बन चुके हैं अब इनकी बात करें जो ये विनर रहे करेंड एम आर एफ फॉर्मूला टू थाउजेंड की बात कर उस रेसिंग में क्या रहे विनर रहे, है? रहे है। और जो इनकी ये जो विनर रहे हैं ठीक है उसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि ये इनकी सबसे पहली विनिंग रही है सबसे पहला इनका डेब्यू अवॉर्ड है और तो और इनके डेब्यू सीजन में मतलब इनके पहले सीजन में ही इन्होंने सबसे पहली जीत हासिल कर ली है तो ये सबसे बड़ी बात है ठीक है और इसमें कुछ खास है नहीं ओके पाकिस्तान परवेज मुशरफ की बात की गई है जो उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी इनकी जो रिसेंटली डेथ हुई थी एक डिजीज की वजह से उस डिजीज का नाम क्या है एमिलॉयसिस एमिलोयडोसिस उस डिजीज का नाम है एमिलॉयडोसिस क्या करता है आपके जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं अंदर वाले आ, लीवर हो गया किडनी हो गया स्टमक हो गया हार्ट हो गया इन सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको मतलब वीक कर देता है ख़त्म करना शुरू कर देता है ठीक है जिसकी वजह से बंदा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो एट दी एंड इनकी क्या होती है डेथ हो जाती है तो परवेज़ मशरफ़ की बात करेंगे थोड़े मेन मेन फैक्ट है जो उनकी बात कर लेते हैं तो क्या हुआ था नाइनटीन नाइनटी एट में कब 1998 के में जो पाकिस्तान के उस टाइम के पीएम थे कौन नवाज शरीफ उनके द्वारा जो ये हमारे आ, आ, क्या नाम था इनका आ, परवेज मुशरफ इनको क्या बना दिया था आर्मी के चीफ बना दिया था क्या बना दिया था आर्मी का चीफ बना दिया था लेकिन विद इन वन ईयर मतलब 1999 में ही क्या हुआ कि परवेज मुशरफ के द्वारा नवाज शरीफ की जो सरकार थी उनको ओवरटेक कर लिया मतलब मिलिट्री कू हो गया एक तो कि इन्होंने पूरा का पूरा क्या कर लिया पाकिस्तान की जो मतलब प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ उनको ओवर थ्रू कर लिया उनके थ्रोन पर काबू कर लिया और इकलौते ऐसे पर्सन बन गए जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को होल्ड कर लिया कहने का मतलब पाकिस्तान एक डिक्टेटर डिक्टेटरशिप के अंडर आ चुका था अब इन्होंने दो सॉरी उन्नीस से लेकर 2008 तक कब उन्नीस से लेकर 2008 तक पाकिस्तान पर राज किया है इन्होंने पाकिस्तान पर राज किया तो उस टाइम इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जिनकी वजह से एट दी एंड जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उनकी उन्होंने 2019 में इनको मतलब सजाए मौत दे दी गई थी लेकिन बाद में कब 2020 में जाकर ठीक है फिर से लाहौर सेशन में जो आ, आ, प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है उनके द्वारा इनकी जो सजाए मौत थी उनको कैंसल कर दिया था मना कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई थी कि ये जो किया है जो आपके जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने ये चीज किया है ये बहुत बहुत गलत चीज की गई है उनके द्वारा अब अगर बात करें तो नवाज शरीफ सॉरी नवाज शरीफ परवेज मुशरफ के टाइम पीरियड में जो मतलब इंडिया में जो इंक्लूजन हुई है ठीक है जो मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़े अंदर लोग आए हैं वो सारे उसी टाइम पीरियड में आए ठीक है अगर बात करें कब 1999 में अब आप देखो 1998 में क्या हुआ था आर्मी चीफ बने थे और 1999 में ही इन्होंने क्या कर लिया था पाकिस्तान को ओवर कर लिया था अब 1999 में ही पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में एलओसी कंट्रोल के मतलब ओ, को अंदर आकर जो कुछ पोर्शन थे कारगिल के या कारगिल की कुछ लोकेशन थी वहां पर क्या कर लिया था इन्होंने अपना हक जमा लिया था अब उनके द्वारा जो ये ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था ऑपरेशन बादल लेकिन इसके ऑपोजिट इंडिया के द्वारा भी ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम क्या था ऑपरेशन विजय जिसमें क्या हुआ था इंडियन सोल्जर ने वहां पर जाकर लड़ाई की और वापस मतलब कारगिल की जो पोजिशन थी वो वापस हासिल कर ली मतलब अपनी टेरिटरी वापस ले ली ठीक है अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जो हर किसी को पता होने चाहिए अगर बात करें हम सबसे पहला ऑपरेशन ऑपरेशन मेहदूद अब ऑपरेशन महदूद क्या कहता है ये जो ऑपरेशन है यह कहां पर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ था यह जब सियाचिन में पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई किया गया था साचीन को पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया था तो उसको ऑक्युपाई मतलब फिर से हासिल करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया की तरफ से वो क्या था ऑपरेशन महदूद अब बात करते हैं ऑपरेशन पोलो अब ऑपरेशन पोलो क्या है ये बात है 1948 की जब इंडिया को रिसेंटली आजादी मिली थी तो आज़ादी मिलने के बाद जो मतलब कोशिश की जा रही थी सबसे ज़्यादा ये कि सारी की सारी इंडिया को इंडिया यूनियन के अंडर कर दिया जाए लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया में कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर मतलब राजा के राज हुआ करते थे जो जिसको प्रिंसी स्टेट भी बोला जाता तो उस प्रिंसी स्टेट को हैदराबाद में खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था ऑपरेशन पोलो ठीक है लास्ट बात करते हैं ऑपरेशन पावन की बात करें या पवन की बात करते हैं तो यह मतलब नाइनटीन नाइनटीन अराउंड एटी सेवन में चलाया गया था श्रीलंका में चलाया तो नहीं गया था किया गया था ठीक है इस ऑपरेशन की बात करते हैं ये ऑपरेशन जो किया गया था सिर्फ और सिर्फ पीस कीपिंग के लिए था पीस कीपिंग फोर्सेस ऑफ श्रीलंका ठीक है वहां पर किया गया था तो इसका मेन पर, 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 पर्पज़ क्या था जो एल थे जिनके द्वारा मतलब जफाना को ओक्यूपाई किया था कंट्रोल किया गया था उनसे कंट्रोल वापस ले लिया था इनको द्वारा ठीक है इंडियन आर्मी के द्वारा ठीक है तो ये कुछ ऐसे मतलब ऑपरेशन है जो हर किसी को पता होने चाहिए चलिए जी डेट सॉल्व फॉर टुडे आज के लिए इतना बहुत है चलिए फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और इसकी जो आपको पीडीएफ है, आपके टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी सो डेट सॉल्व फॉर टुडे टेक केयर बाय चाह सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ ऑफ प्रीवियस क्लासेस ऑन टेलीग्राम प्रू एक्चुअली कल जो सर थे वो छुट्टी पर थे वो बीमार थे तो आज आ चुके हैं तो आज मतलब आपको आने वाले विद इन टेन फिफ्टी मिनट्स में आपको वहीं आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी ओके चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे टेक के बाबा स्टूडेंट जय हिंद